In this question, in the potentiometer arrangement, ये arrangement दिया हुआ है, then the potentiometer wire is 100 centimeter long. If balance is obtained at the length AJ equal to L, then balancing point जब आ जाएगा, तो हम देखेंगे इसमें कोई current flow नहीं करेगा, current केवल यहाँ flow करेगा, यहाँ से current flow करेगा और इसमें चला जाएगा ये, क्योंकि balance point मतलब यहाँ null point आ गया, null point means no current flow, पूरा current इसमें जाएगा. अब हम ये मान लेते हैं जो वायर है ए बी उसका रेसिस्टेंस हम मान लेते हैं कुछ आर डैस. लेट रेसिस्टेंस ऑफ वायर ए बी इक्वल टू आर डैस. इसका आर हो गया, टोटल करंट हो जाएगा आई इक्वल्स टू ई बाई आर प्लस आर डैस. इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वायर के अक्रॉस, पोटेंशियल ड्रॉप दैट विल बी across AB E minus IR IR dash. So E minus I E by R plus R dash into R dash, इसको हम सॉल्व कर लेंगे. So ER plus ER dash minus ER minus E R dash. So ऊपर बचेगा ER ई आर डैस कैंसिल अपॉन आर प्लस आर डैस. ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी. अब पोटेंशियोमीटर की प्रॉपर्टी से हम देखेंगे रेशियो. फाइव रिमेन्स कॉन्स्टेंट, सो फाइव दोनों के लिए, जैसे डेल्टा वी अक्रॉस ए बी डिवाइड बाई टोटल लेंथ मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा वी अक्रॉस ए जे डिवाइड बाई लेंथ मान लेते हैं एल डैस, एल डैस लेंथ मान लेते हैं इसके हम. सो डेल्टा वी हो जाएगा ई आर अपॉन आर प्लस आर डैश अपॉन एल इक्वल्स टू डेल्टा वी ए जे. ये ई बाई टू आना चाहिए एल डैश, क्योंकि बैटरी का ई एम एफ ई बाई टू दिया हुआ है एल डैश. सो एल डैश इक्वल्स टू, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा एल डैश इधर आएगा ई बाई टू एल आर प्लस आर डैश और इधर आ जाएगा आर. सो डिवाइड बाई आर, इसको हम सॉल्व कर लेंगे. सो एल डैश इक्वल्स टू ई एम एफ कैंसिल आउट हो गया ये. सो एल डैश इक्वल्स टू एल बाई टू वन प्लस आर डैश बाई आर, वन प्लस आर डैश बाई आर मीन्स एल बाई टू, वन प्लस हो रहा है एल बाई टू से ज़्यादा आ रहा है ये, तो जो लेंथ आ रही है एल डैश ग्रेटर देन एल बाई टू आ रही है मीन्स ग्रेटर देन 50 सेंटीमीटर. तो इसका एक ऑप्शन तो ये करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है. दूसरा हम देखते हैं अगर रेसिस्टेंस ए बी का आर से ज़्यादा है तभी होगा, चेक करते हैं. रेसिस्टेंस के लिए हम यहाँ देख लेंगे, यहाँ से निकालेंगे इसको, तो ये हो जाएगा एल डैश इक्वल्स टू एल बाई टू आर प्लस आर डैश बाई आर, उसको इधर ले जाएंगे. सो टू आर एल डैश इक्वल टू एल आर प्लस एल आर एल डैश. सो एल आर डैश इक्वल्स टू टू आर एल डैश माइनस एल आर. सो आर डैश की वैल्यू आ रही है टू आर माइनस एल आर अपॉन एल, इसको सॉल्व करेंगे. सो आर एल डैश अपॉन एल बाई टू माइनस आर, ये आना चाहिए. अब आर डैश की जो वैल्यू है वो आर कॉमन ले लेंगे, एल डैश अपॉन एल बाई टू माइनस वन. एल डैश की मैक्सिमम वैल्यू एल ले सकते हैं, सो एल अपॉन एल बाई टू माइनस वन मीन्स आर डैश मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, ये आना चाहिए. सो ये ऑप्शन भी करेक्ट है. सो ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट. टू सेल्स ऑफ अनइक्वल ईएमएफ, ये दिया हुआ ई वन ई टू, इसमें से एक कोई अनइक्वल मींस एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो हम अज्यूम कर लेते हैं ये ई वन इज ग्रेटर देन ई टू, मेंशन नहीं किया गया तो हम अपनी तरफ से इसको अज्यूम कर लेंगे. देन ये कनेक्टेड आर इन सीरीज. ऑप्शंस हैं, पहला है वन सेल विल सप्लाई एनर्जी टू द अदर, जिसका ई एम एफ ज़्यादा होगा, जैसे हमने यहाँ पर एज्यूम किया हुआ है लेट ई वन ग्रेटर देन ई टू,
जिसका ईएमएफ ज़्यादा है वो एनर्जी सप्लाई करेगा दूसरे के लिए, ये सही है, थियोरेटिकल पॉइंट है ये तो, बिल्कुल सही है। बी पॉइंट है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ द सेल्स विल बी इक्वल, बोथ द सेल्स मतलब ये हम बात कर रहे हैं इसकी, ये इसका रेसिस्टेंस है इंटरनल, ये इसका इंटरनल, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल ही है। ये ए पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ भी होगा, इसका पोटेंशियल सेम होगा, इसका पोटेंशियल भी सेम होगा, सो वी ए माइनस वी बी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस सेम है, बी ऑप्शन सही है। अगला है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वन सेल विल बी ग्रेटर देन इट्स ईएमएफ। जैसे हमने माना ई1 ज़्यादा है तो जो करंट फ्लो करेगा वो ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव कर रहा है। जब कभी भी पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करेगा मतलब बैटरी चार्ज हो रही है एक तरह से, तो यहाँ से इसका ईएमएफ ज़्यादा आएगा। यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं इसको, जिसकी बात करें अगर हम ये देखें, इसका ईएमएफ होगा E2 माइनस E2 प्लस ये, ये पॉइंट मान लेते हैं, तो VA माइनस E2 करंट ऐसे फ्लो कर रहा है डायरेक्शन में, तो माइनस IR2 इक्वल टू इसके लिए देखें तो इसके लिए आएगा VA माइनस VB इक्वल्स टू E2 प्लस IR2, E2 प्लस IR2 मतलब IR2 प्लस हो रहा है तो ये ज़्यादा है, ये भी सही है। और लास्ट ऑप्शन है इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, VA माइनस VB, सो VA माइनस VB इक्वल्स टू, दोनों में से किसी को लेके भी कर सकते हैं, अभी हम इसको लेके कर रहे हैं, E2 प्लस IR2, तो E2 प्लस I कितना होगा, I होगा इसमें E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू R2, इसको सॉल्व करेंगे, E2R1, E2R2, E1R2, E2R1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, E1R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, ये भी सही है, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, इसका आंसर होगा A B C D।